LG top loading washing machine model WF-T7516LN 6.5 kg. पावर दबाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? जैसे हम स्टार्ट करते वैसे भी एरर आ रहा है। सॉल्यूशंस, अगर हम सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे क्यों आता है। हम ये पैनल खोलेंगे, ये स्क्रू है, सड़ चुका है। अब ये स्क्रू को हम काटेंगे, सड़ चुका है तो एक सबर से इसको हम इस तरह से काटने वाले। सड़ चुका है पूरी तरह से, देख सकते हैं इसका स्क्रू पूरी तरह से सड़ चुका है, तो काटना पड़ता है इसको। अब इसको भी काटना पड़ेगा एक से ब्लेड से। ये भी सड़ चुका है पूरी तरह से, इसको भी हम काटने वाले हैं। अभी देख सकते हैं ये भी स्क्रू सड़ चुका था, कुछ दिन से इसको खोला नहीं। पीई एरर का सोल्यूशन के लिए हमको इसको खोलना है। अभी चेक करना है इसको, पहले चेक करना है इसमें कार्बन है कि नहीं कनेक्टर में। कार्बन नहीं है तो अभी ये दूसरा लगा के चेक करने वाले हैं। हमने दूसरा प्रोसेस लगाया, ये जो लगा था ये लगाया, चालू करेंगे हम अभी। ये भी पी दिखा रहा है, दूसरा डालने के बाद भी प्रेशर स्विच फिर भी पी एरर आ रहा है। इसके बाद हम वायरिंग चेक करेंगे। हम ये प्रेशर स्विच का वायरिंग हम चेक करेंगे, तीनों भी वायरिंग कहीं ब्रेक या कार्बन तो नहीं ना। अभी हम प्रेशर स्विच का वायरिंग चेक करेंगे, पीसीपी यहाँ से लेके यहाँ तक वायरिंग ब्रेक है कि नहीं, भी ओके है वायरिंग भी, तीनों भी वायरिंग ओके है। अभी हम दूसरा प्रेशर स्विच लगा के चेक करेंगे लास्ट। हमने अभी तीसरा प्रेशर स्विच डाला है, अभी चेक करते हैं। इसका मतलब सर्किट खराब है, सर्किट देना पड़ेगा रिपेयरिंग करने के लिए। अभी हम LG का प्रेशर स्विच लगा रहे हैं, लास्ट चांस, मेरे फिर PCB का प्रॉब्लम। LG का हमने प्रेशर स्विच लगाया है, स्टार्ट दबाएंगे। इसका PCB में प्रॉब्लम है 100% श्योर। नया प्रेशर स्विच लगाने के बाद भी, वायरिंग के बाद भी वायरिंग ओके है, प्रेशर स्विच नया है तो PCB खराब है।